व्यूअर्स, आज हम आपको आर्गिव सी वो आर्गिव वे बताने वाले हैं जो हमने कल आपको वादा किया था वीडियो में कि आर्गिव सी और आर्गिव वे को हम कैसे यूज़ करते हैं। आर्गिव वे जो है आपका एरे है जो हम आगे ट्यूटोरियल में एरे पढ़ाएंगे। तो आर्गिव सी और आर्गिव वे क्या है, चलिए इसको पहले प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी बता देंगे। तो सबसे पहले हम दो लाइब्रेरी ले रहे हैं, स्टूडियो एच कोनियो डॉट एच और stdio.h एंड कोनियो डॉट एच, और मेन में दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट सी एंड आर्गुमेंट वी। आर्गुमेंट सी में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आता है और आर्गुमेंट वी में जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, इसीलिए इसमें स्टार लगा है, इसको पॉइंटर बना करके एरे में इसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। इंट आई और सम जीरो, वैसे तो एरे खुद ही एड्रेस फर्स्ट एड्रेस से रेफरेंस की जाती है। सी एल आर एस सी आर स्क्रीन को क्लियर कर रहा है। प्रिंट एफ जो है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को प्रिंट करता है कि कितने आर्गुमेंट आपने पास किए, और उसी से हम लूप चलाएंगे। आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन आर्ग सी आई प्लस प्लस, तो जितने आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो वन बाई वन यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। जब हम देंगे प्रिंट एफ परसेंट एस आर्गिव आई, तो आई में पहली बार वन आएगा तो प्रोग्राम नेम आएगा, उसके बाद जितने आर्गुमेंट पास किए हैं वो आएगा। सम इक्वल्स टू सम प्लस ए टू आई आर्गिव आई, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए टू आई। ए टू आई क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग को नंबर में बदल देगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग को तो जोड़ नहीं सकते, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए उसको नंबर में बदलना पड़ेगा। तो जो नंबर हमने दिए हैं वो न्यूमरिक हो जाएंगे, तो सम में हम स्टार्टिंग में हमने जीरो लिया है तो वो वैल्यू ऐड होकर के सम में आ जाएगी। जब सम में आ जाएगी फॉर का लूप खत्म हो जाएगा, तब हम सम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि वो परसेंट डी में बदल चुका है, इसलिए परसेंट डी ले रहे हैं और सम को प्रिंट करेंगे। गेट सी एच करेंगे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, रिटर्न जीरो करेंगे प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए। अब हम रन करने के लिए प्रोग्राम में पहले आर्गुमेंट देंगे, तो आर्गुमेंट में हमने प्रोग्राम का नाम दिया जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके तीन आर्गुमेंट्स दिए 10, 20, 30, अगर आप इसमें और बढ़ा दीजिएगा तो और बढ़ जाएगा वो। चलिए तीन ही दे देते हैं, वो अभी नहीं मान रहा है तो ना माने, तीन दिया और ओके कर दिया। अब आर्गुमेंट जो हमने दिए हुए हैं उसको लेकर के प्रोग्राम को रन किया। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर कॉम एल प्रोग्राम नाम प्रिंट करेगा, फिर तीन डिजिट प्रिंट कर देगा, और उसके बाद क्योंकि वो ज़ीरो बेस से लेता है आर्गुमेंट्स को, इसलिए पांच आर्गुमेंट्स बता रहा है, और सम करके प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम का नाम नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे टू लिख करके प्रोग्राम के नाम को मत प्रिंट कराइए, यहाँ पे रन करिए, और अब देखिए प्रोग्राम का नाम नहीं प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम आर्ग सी आर्ग वी को प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे जिसको हम आपको उसकी क्वेरी सॉल्व कर देते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ अ कमांड लाइन आर्गुमेंट विद एग्जांपल, आप बता दीजिए। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आर नथिंग बट सिंपल आर्गुमेंट दैट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के नाम के बाद जो कुछ भी हम लिखते हैं वो आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और वो हमारे मेन फंक्शन में पास होते हैं। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम इन अ सिस्टम कमांड लाइन एंड पास्ड ऑन योर प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, सो वी कैन यूज दिस कमांड लाइन आर्गुमेंट एज अ इनपुट इन आवर सी प्रोग्राम। तो जो कुछ भी हम लिख के भेजते हैं वो एज अ इनपुट मेन फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास हो जाता है। हाउ डू आई रन अ कमांड लाइन आर्गुमेंट, अब पैरामीटर तो आपने दे दिया लेकिन अब उसको रन कैसे करते हैं। यू कैन टेस्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट बाई रनिंग एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम द
कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज और फ्रॉम द डॉस प्रॉम्प्ट। अभी हमने आपको रन करके बताया कि रन में जाएंगे वहाँ पे आर्गुमेंट देंगे और आर्गुमेंट्स में जब वैल्यू आ जाएगी तो रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, या उसका शॉर्टकट बना लीजिए तब वहाँ से प्रोग्राम रन हो सकता है प्रॉपर पाथ देके। व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द कमांड लाइन? तो कमांड लाइन का फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है? फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा प्रोग्राम का नाम होता है, जो अभी हम लोग ने देखा था। एक्चुअली द फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट इज़ अ प्रोग्राम नेम। अब आया आपका व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ द लास्ट आर्गुमेंट इन द कमांड लाइन। इंडेक्स जो होता है हमारा आर्ग सीव माइनस वन, जब हम करते हैं तो कितने आर्गुमेंट्स आए हैं वो आ जाता है, लास्ट इंडेक्स वही होता है। और व्हाट डू द सी एंड वी स्टैंड फॉर आर्गिव एंड आर्गिव सेम। तो सी जो है वो आपका आर्गुमेंट कंट्रोल के लिए होता है कि कितने आर्गुमेंट, और वी हमारा आर्गुमेंट वेक्टर होता है जो कि हमारे स्ट्रिंग वैल्यू को एरे में स्टोर करता है। व्हाट इज़ अ कमांड लाइन? इट्स यूज इन सी। क्यों हम कमांड लाइन में आर्गिव सी आर्गिव वी लेते हैं, उसका क्या यूज़ है? द विंडो विच इज़ यूजली कॉल्ड द कमांड लाइन और कमांड लाइन इंटरफेस इज अ टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन फॉर व्यूइंग हैंडलिंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। जो हमारा पास होती है वैल्यू उसको देखने के लिए, हैंडल करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम आर्गिव सी आर्गिव वी यूज़ करते हैं। आर्गिव सी और आर्गिव वी जो होता है वो दूसरे फाइल से भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है, इसलिए ये बहुत प्रोजेक्ट के समय बहुत यूज़फुल होता है। प्रोजेक्ट हैंडलिंग में हम आर्गिव सी आर्गिव वी यूज़ करके दूसरे जगह से भी वैल्यू को ले सकते हैं। हमने कल ये भी बताया था कि एक्सटर्न वेरिएबल जब हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे तो एक्सटर्न वेरिएबल भी दूसरे जगह से फाइल में इंफॉर्मेशन लाता है जिसको हम बता देंगे। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन, कमेंट ऑन माय कम्युनिटी, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मस्ट कमेंट ऑन द वीडियो। So, and ask the question in comment if any you want to ask. Thank you, viewers.